बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशन में लगे हुए। प्रसिद्ध करण जौहर द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक प्रेम कहानी दर्शकों को 90 के दशक के आकर्षक युग में वापस ले जाएगी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को रिलीज होने वाली और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट दोनों अपने उत्साहपूर्ण प्रचार प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में उन्होंने फिल्म के वे कमलिया गाने के लॉन्च के इवेंट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई और इस इवेंट से उनकी शानदार तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रही। विशेष रूप से आलिया भट्ट का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली साड़ी में बिल्कुल आकर्षक लग रही थी, जिससे फिल्म के प्रति और उत्साह बढ़ गया। इन तस्वीरों में आलिया भट्ट ने शिफॉन नाम के हल्के फैब्रिक से बनी कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है। उसके पास बिना आस्तीन की एक शर्ट भी है जो नीले रंग की है। इस ड्रेस में आलिया वाकई खूबसूरत लग रही है। तस्वीरों में रणवीर सिंह ने ब्लैक सूट पहना हुआ, इस आउटफिट में वह काफ़ी गुड लुकिंग लग रहे। सूट के साथ रणवीर ने काला चश्मा भी लगाया हुआ। इस तस्वीर में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह एक साथ खड़े और काफ़ी अच्छे लग रहे। वे लोगों के सामने तस्वीर लेते हुए खूब मस्ती कर रहे। वे अलग अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं और खूब हंस रहे। इन तस्वीरों को लेकर कई लोग चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरों में आलिया भट्ट ने अपने बाल ठीक कर रही और वह बेहद खूबसूरत लग रही। लोग कह रहे हैं कि इन तस्वीरों से आलिया भट्ट वाकई खूबसूरत लग रही। एक शख्स ने तो कहा कि आलिया भट्ट बेहद खूबसूरत है, फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि आलिया कितनी सुंदर है, इस पर ज़्यादा मत जाओ, ध्यान केंद्रित रखो। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह गली बॉय नाम की फिल्म में एक साथ थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और फिल्म बड़ी सफल रही। अब वह रॉकी और रानी की नाम की एक और फिल्म होगी जो 28 जुलाई को आएगी। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।